तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को न्योता दिया और प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उनको सरकार बनाने का न्योता दिया है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवान जगन्नाथ की विग्रह जो है वो भेंट किए गए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को अभिवादन किया फूल देकर, और उसके बाद राष्ट्रपति ने उनको भगवान जगन्नाथ का विग्रह दिया और सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया। तो ये वो औपचारिकता। आज ही एनडीए के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी, संसदीय दल के नेता चुने गए हैं, और एनडीए का आंकड़ा ये दावा किया जा रहा है कि अब बढ़ के 303 हो गया है। दावा ये कि कुछ छोटे दलों और कुछ छोटी पार्टियों ने भी समर्थन दे दिया है एनडीए को, तो एनडीए का कुनबा अब 303 जा पहुंचा है। और ऐसे में चूंकि कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, दावा अब 303 का है और संसदीय दल के नेता भी चुन ले गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो अब राष्ट्रपति ने उनको बुलवाया और सरकार बनाने का न्योता दिया है। अब यहां से आगे सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। राष्ट्रपति भवन की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, चंद मिनट पहले की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री पहुंचे राष्ट्रपति के बुलावे पर और राष्ट्रपति ने उनको सरकार बनाने का न्योता दिया है। शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात है और ये औपचारिकता का हिस्सा है कि राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती हैं जिसके पास बहुमत है, एनडीए के पास बहुमत है। जाहिर सी बात है एनडीए के नेता आज प्रधानमंत्री मोदी चुने गए हैं, तो उनको न्योता दिया राष्ट्रपति भवन आने का और उसके बाद सरकार बनाने का न्योता भी दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की तरफ से। राष्ट्रपति की ओर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए न्योता प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। ये अपने आप में एक इतिहास है, लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे। राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे मोदी। तो ये तस्वीर इस वक्त की बड़ी तस्वीर, जहां एनडीए की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया प्रधानमंत्री मोदी को। वो एनडीए के नेता चुने गए हैं, आज ही एनडीए संसदीय दल द्वारा उनको अपना नेता चुना गया है। और उसके बाद आपको बता दें कि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए इसको लेकर भी कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। घटक दलों के प्रमुखों से भी मीटिंग हो चुकी है, उनकी बातों को भी सुना गया है कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं और सरकार उनको क्या दे सकती है। उसके लिए एक बाकायदा टीम का गठन किया गया है जिसकी जिम्मेदारी जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह को दी गई है। लिहाजा किसको क्या मंत्रालय मिलेगा इससे जुड़ी अपडेट्स भी कहा जा रहा है कि कल आ सकती हैं, लेकिन उससे पहले आज शाम होने तक सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया और राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का निमंत्रण भी दिया एनडीए को। तो ये तस्वीरें सीधा राष्ट्रपति भवन से आप लाइव देख रहे हैं। पीएम मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया है। इससे पहले आज का पूरा दिन गहमा गहमी भरा रहा, संसदीय दल के नेता चुने गए मोदी और उसके बाद उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, मुरली मनोहर जोशी, रामनाथ कोविंद से वो मिले और अब राष्ट्रपति भवन।